3 दिन से ना लगातार बारिश हो रही थी, और जिस वजह से ना हमारे जो कुछ मुर्गी हैं ना वो ढीली हो गई हैं सर्दी की वजह से ना। उनको थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है, बारिश में इनके भीग गई थी। तो उनमें ये देखें कि ये जो ब्लैक वाली मुर्गी है और एक वो ब्राउन वाली है और उसके साथ एक और वो ब्लैक वाली मुर्गी, ये सारी है ना, ये जो तीन चार हैं ये बीच में जानवर जो हमारे ना ये ढीले हो गए हैं, और सफ़ेद कलर की जो उनकी ना बिट कर रहे हैं। ये वाली मुर्गी तो कुछ काफ़ी ज़्यादा ढीली हुई है और इसने कल से खाया भी नहीं है इतना। और अब आज हम क्या करेंगे, इनको इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे सबको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार 3-4 दिन लगातार बारिश हुई है और जो हमारे जानवर है ना उनकी अभी कंडीशन ठीक नहीं लग रही, मुझे काफ़ी ज़्यादा सुस्त हुए हुए हैं क्योंकि सर्दी हो गई थी और सर्दी से थोड़े से ना यानी कि डिले से हुए हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है जिस दिन से हमारे यहाँ से डक्स वगैरह चले गई हैं तो उस दिन से हमारा जो ये वाला सेटअप ये काफ़ी खाली खाली सा है। और आपको पता है पहले हमने जो हमारे पैरट्स थे वो हमने यहाँ पर रखे थे, लेकिन वो सारा दिन यहाँ पर धूप होती थी। सरप्राइज़ लेकर आया हूँ तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा सरप्राइज़ है। तो चलते हैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है। तो ये है वो सरप्राइज़। तो ये है हमारी मिनी फौज हमारे सेटअप के अंदर। तो भाई ये है गोल्डन और मिस्री चूज़े हैं इसके अंदर, वो कुछ गोल्डन है वो वाले और ये वाले जो मिस्री हैं। तो ये टोटल जो हैं 24 हैं। तो अभी मुझे कोई 10 मिनट हुए इनको मैं लेकर आया हूँ, और इनको मैंने वो खुराक वाला बर्तन रखा हुआ है इसके लिए जो हमारी बड़ी मुर्गियों का था वो वाला मैंने रख दिया है। तो अभी अभी इनको मैं लेकर, तो अभी इनका जो सामान वगैरह वो लाने वाला है। तो अभी हम चलते हैं, इनका जो कुछ सामान रहता है वो लेने चलते हैं, इनके यानी कि जो खाने वाले बर्तन हैं वो लेकर आने हैं, और क्या लेकर आना है, और इनकी वैक्सीनेशन जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है ये केजीज वगैरह से आते हैं तो उसके अंदर बीमारियाँ वगैरह होती हैं जो इनको लग जाती हैं। तो इनको जो उनसे मैंने सेपरेट कर दिया है इसके साथ, ये तरपाल जैसे हमारे पहले डक्स की लगी हुई थी वैसे ही लगा दिए। तो ये जो उनसे तरपाल यहाँ से फट गई है वैसे तो, लेकिन ये हमें अभी हमें गुजारा कर रही है, काम दे रही है। तो कुछ यहाँ पे मैंने लगा दिए, नीचे पाइप लगा दिए और इस तरफ मैंने बांस लगा दिए, और जो हमारा लकड़ी का केज था वो भी मैंने अंदर रख दिया है ताकि जो रात को ये जो उनसे उसके लकड़ी के केज के अंदर चले जाएँ, सर्दी वगैरह इनको ना लगे। और जो हमारी बाहर वाली तरपाल थी वो भी मैंने नीचे की तरफ कर दिए, और ये वाला इसका अभी हम कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे। फ़िलहाल तो ये मैं कपड़ा लगा कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके खाने वाला बर्तन लेकर आने हैं और साथ अभी वैक्सीनेशन लेकर आनी है। और जो हमारी वो मुर्गियाँ हैं ब्लैक वाली वो भी बीमार है और उसके लिए भी अभी वैक्सीनेशन लेकर आनी है। तो अभी चलते हैं, जाकर वैक्सीनेशन वगैरह लेकर आते हैं, और जो हमारी मुर्गी हैं उनको हम वैक्सीनेशन करेंगे आज ही, और चूज़ों को हम बाद में वैक्सीनेशन करेंगे क्योंकि अभी तो अभी ये आए हैं तो अभी इनके लिए अभी इनको वैक्सीन वगैरह नहीं लगी ना, इनको कोई खुराक नहीं कुछ देना। तो अभी सिंपल जो खुराक है और जो पानी है वही इनका चलेगा। तो अभी हम चलते हैं और जाकर लेकर आते हैं, तब तक के लिए मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ और इनके जो बर्तन। तो यार जो हमारे न्यू जानवर आए हैं मैं उनके लिए बर्तन वगैरह लेने गया था, तो मैं अभी लेकर आया हूँ। तो उनमें ये जो दो हैं ये मैं लेकर आया हूँ जो हमारे चूज़े हैं उनके लिए, ताकि वो 24 हैं तो एक पे अगर 12 आ जाए तो दूसरे पे 12 आ जाएंगे, तो ये 24 इन दोनों पर पूरे आ जाएंगे। और ये जो सी है ये जो सा बर्तन है ये मैं लेकर आया हूँ जो हमारे बजीज़ के हैं ना उनके लिए, और इसके अंदर है चौक जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चौक होता है, ये भी पैरेट वगैरह और परिंदों के लिए होता है ताकि उनको कोई बीमारी वगैरह ना लगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको, पहले तो हमने अपने बजीज़ में रखी हुई थी ये वाली कनाली, ठीक है। तो अब हम इसकी जगह ये वाला बर्तन रख देंगे और ये वाला जो चाक है ये हम इधर कहीं लगा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ इन सब चीज़ों को लगा लेता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
यार जो चाक है वो मैंने यहाँ पे लगा दी है, और जो हमारा बर्तन है वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, इसमें खुराक वगैरह डाल दी है, और जो हमारी बजीज है वो इस वक्त इस मटकी के अंदर है, तो उम्मीद है कि कुछ गमले पड़े होते थे तो अब जो उनसे हमने यहाँ से उठा लिए, क्योंकि सारा दिन ना यहाँ पे धूप निकलती थी और यहाँ से सूरज निकलता था और सारा दिन यहाँ पर धूप पड़ती थी, तो हमने क्या किया है उन गमलों को उठाकर इस दीवार के साथ रख दिया है। और इस चीज़ का हमें फ़ायदा क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रहती है 10 से 11 बजे तक धूप रहती है, बाकी सारा दिन यहाँ पर छाँव रहती है। और अभी ये देखें यहाँ पर सूरज ग्रूब हो रहा है इस वक्त, तो अभी यहाँ पर जो उनसे ठंडक रहती है, तो मौसम भी पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छा था, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो गई है। तो ये आपने लास्ट टाइम देखा होगा जो हमारी डक्स थी उन्होंने ये वाला जो सा पौधा था ये ख़राब कर दिया था, और ये वाले जो से पत्ते हैं वो हमारी डक्स ने खा लिए थे, और ये अब काफ़ी बड़ा हो गया है, पहले तो बिल्कुल छोटा सा था और तो अब ये साल इसका छोटा सा बच्चा भी नहीं कर रहा है। तो ये वाले जिनसे हमारे दो पौधे हैं ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, पहले बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो हमने बाकी पॉट भी यहाँ पर रख दिए सारे, और इनके अंदर भी हम मिट्टी प्रॉपर डालकर, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई पौधे लगाएंगे। इसके अंदर भी मिट्टी नहीं है, इसके अंदर है, और इसके अंदर भी है, और इसके अंदर भी मिट्टी नहीं है, तो इन सब के अंदर मिट्टी डालकर अब हम इनको प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। तो यार आज हमारे सेटअप पर न्यू मिनी फौज चूज़ों की आ चुकी है, तो अब हमें उनकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो छोटे हैं और मौसम जो सा थोड़ा सा ठंडा है, तो इसलिए मुझे क्या करना होगा अभी कि ये जो सा हमारा लकड़ी का खुड्डा है इसके ऊपर मुझे इर्द गिर्द प्लास्टिक वगैरह लगाना होगा, ताकि वो आराम से यहाँ पर रह सकें, रात उनको सर्दी वगैरह ना लगे। तो आज का जो सा व्लॉग है इसको यहीं पर करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, सो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और काइंडली सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आएंगे और कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आ रहा है, तो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा और कोई हम नई चीज़ें भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।